होली मिलन, इसमें मिलन शब्द लगा हुआ है, यानी कि आपस में इस पूरे एक साल में, विगत एक साल में जो भी कटुता हुई है आपस में एक दूसरे से, चाहे वो भाई भाई में, चाहे वो गोतिया में, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो पार्टी के नाम पर, चाहे वो संगठन के नाम पर, चाहे व्यक्तिगत कोई समस्या हुई हो, उन तमाम चीज़ों को भूलकर, और ये होली का एक ऐसा अवसर होता है, त्यौहार होता है कि यहाँ गला मिलने की ज़रूरत है, और तमाम चीज़ों को भूलकर आपस में एक दूसरे का गला मिलिए, आपसी सौहार्द बनाए रखिए, साथ ही साथ अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए, अपने बाल बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति से हटाकर भारतीय संस्कृति, जो हमारी परंपरागत संस्कृति है, उससे जोड़े रखिए, उनको गांव घर होली के अवसर पर ले जाइए, उनको बताइए कि गांव में लोग कैसे होली खेलते हैं, कैसे हर एक दूसरे के दरवाजे पर जाकर होली गाते हैं, कैसे एक दूसरे से गला मिलते हैं। एक हमारे हिंदू संस्कृति में संवत बीतने के बाद इसको बदलने और सुधारने के लिए आप संकल्पित हैं। सैनिक का अपमान देश के 135 करोड़ की जनता है, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबको पता है कि हमारे सैनिकों का इस देश पर कितना एहसान है। यदि सैनिक रात भर जगते हैं तो हम लोग अपने घरों में रात भर सोते हैं, तो सैनिक का अपमान तो देश नहीं सकता, जा सकता। और जो लोग सैनिकों पर टिप्पणी कर रहे हैं, दरअसल या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, या फिर उन्हें जानकारी नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से उन माननीय नेताजी को मैं जानता हूँ, यदि बढ़िया से आप कह दीजिएगा कि ककहरा पढ़ दीजिए और लिख दीजिए, तो शायद क से लेकर ज्ञ तक लिख नहीं सकते। और ये लोग ज्ञान बांटने चलते हैं, तो ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना हम अपनी अवहेलना समझते हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में अत्याचार हुआ, इसके पहले गुजरात में अत्याचार हुआ, उसके पहले आसाम में अत्याचार हुआ, उसके पहले दिल्ली में अत्याचार हुआ, और अब